हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का हिंदी फर्स्ट चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम है देश प्रेम की विजय। देश प्रेम की विजय में इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिस देश में रहना चाहिए उस देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना रखनी चाहिए और उस देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश प्रेम की विजय में जो पन्ना थाए है वो अपने देश प्रेम की भक्ति दिखाई है और अपने पुत्र का बलिदान दे दी है। इस पाठ में आइए पढ़ के जानते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमाजीत सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। विक्रमाजीत बहुत अयोग्य और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। प्रजा ने उसे राजगद्दी से हटा दिया। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बड़े बेटे विक्रमाजीत सिंह को चित्तौड़ की गद्दी पे राजा बनाया जाता है, बैठाया जाता है। और विक्रमाजीत अयोग्य और अत्याचारी रहता है जिसकी वजह से प्रजा उसे राजगद्दी से हटा देती है। संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह की आयु उस समय केवल 6 वर्ष थी और उनके छोटे पुत्र उदय सिंह अभी केवल 6 वर्ष के थे। पन्ना धाय उसका पालन पोषण करने लगी। पन्ना धाय जो थी वो उदय सिंह का पालन पोषण करने लगी। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक बनाया गया। बनवीर ही राज्य चलाने लगा। दासी का पुत्र बनवीर जो था उसको राजकुमार का संरक्षक बनाया गया और उस राज्य को चलाने लगा। बनवीर पहले तो ठीक प्रकार काम करता रहा पर बाद में उसकी नीयत बदल गई। वह स्वयं राजा बनने की बात सोचने लगा। बनवीर पहले तो काम ठीक करता रहा पर बाद में उसके मन में लालच आ गई और वे सोचने लगा कि मैं खुद ही यहाँ का राजा बन जाऊँ। उसने सोचा यदि विक्रमाजीत सिंह और उदय सिंह दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो चित्तौड़ का सिंहासन उसे मिल जाएगा। तभी से बनवीर अपने रास्ते के कांटे हटाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा। वे विक्रमाजीत और उदय सिंह को रास्ते से हटाने मतलब मार देने की सोचने लगा कि हम इनको मार देंगे तो हम चित्तौड़ के राजा बन जाएंगे। और एक दिन वह मौका आ ही गया। उस रात राजभवन में कोई उत्सव था। सभी लोग खान पान और आमोद प्रमोद में लगे थे। बनवीर ने सोचा आज अपने मार्ग के कांटे हटाने का अच्छा मौका है। उसने तुरंत नंगी तलवार लेकर विक्रमाजीत को मार डाला। सब लोग आमोद प्रमोद और खुशी में व्यस्त थे। वहाँ पे बनवीर ने विक्रमाजीत को अकेले पाकर वहाँ पे तलवार से उनको मार डाला। वहाँ उस समय एक नौकर टोकरा लेकर जूठी पत्तल उठा रहा था। उसने बनवीर का यह रूप देखा तो कांप उठा। नौकर ने सोचा दुष्ट बनवीर राजकुमार उदय सिंह की भी जान ले सकता है। नौकर वहाँ पे जूठी पत्तल उठा रहा था और वह यह देख कर डर गया कि जब विक्रमाजीत को यह मार दिया तो ये उदय सिंह को भी मार सकता है। नौकर ने तुरंत दौड़कर पन्ना धाय को सारी बात बताई। खबर सुनकर पन्ना एक बार को तो कांप गई। फिर कुछ क्षण बाद ही उसने अपने को संभाला। एक क्षण गवाए बिना वह उस नौकर से बोली तुम राजकुमार को अपने टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तले ढक दो। इसे लेकर तुरंत सुरक्षित मार्ग से गंभीरी नदी के तट पर पहुंचो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं आ रही हूँ। नौकर ने तुरंत पन्ना धाय को यह सारी बात बताई और पन्ना धाय ने बिना देर किए उदय सिंह को नौकर के टोकरे में लिटाकर और ऊपर से पत्थर से ढककर और उन्हें गंभीरी नदी के तट पर ले जाने के लिए कहती है। पन्ना जान गई थी कि अगले कुछ ही क्षणों में क्या कुछ होने वाला है। उसने अपने पुत्र चंदन को तुरंत राजकुमार के वस्त्र पहनाए, एक बार प्यार से उसका माथा चूमा और फिर पत्थर का कलेजा करके उसे राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा दी। पन्ना धाय ने राजकुमार को टोकरे में भेज दिया और अपने बेटे को राजकुमार के कपड़े पहनाकर और उनके बिस्तर पे अपने पुत्र को लिटा दिया। तभी बाहर पैरों की आवाज़ सुनाई दी और बनवीर खून में रंगी तलवार लिए भीतर आया। बाहर से बनवीर तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में आता है। पन्ना ने देखा बनवीर की आंखें लाल थी। वह गरजा उदय कहाँ है। बनवीर अपनी आंखें लाल करके और तेज आवाज़ में पूछता है कि उदय कहाँ है। पन्ना पत्थर की मूरत बन गई। आज उसके जीवन की सबसे कठोर परीक्षा थी। पन्ना वहाँ पे
पत्थर की मूरत मतलब बुद्ध बनकर खड़ी हो गई थी और उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उस समय थी। वो अपने बेटे को वहाँ पे बिस्तर पे लिटा दी थी। बनवीर की खूनी आंखें और खून में रंगी तलवार उसके मन का सारा भेद उगल रही थी। वह अधीर हो रहा था। उसने फिर से कड़क कर पूछा, पन्ना मैं पूछता हूँ उदय कहाँ है? वह तलवार लिए, खून से रंगी तलवार लिए और फिर वो बहुत तेज आवाज़ में पूछता है कि पन्ना जल्दी बताओ उदय कहाँ है? पन्ना अब तक सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने बिना कुछ बोले ही हाथ से पलंग की ओर संकेत कर दिया। हत्यारे बनवीर ने तलवार के एक ही बार से बालक के दो टुकड़े कर डाले। दीपक के धुंधले प्रकाश में बनवीर नहीं जान पाया कि उसने किसे मारा है। पन्ना संकेत द्वारा मतलब इशारे से बताती है कि वहाँ सोया है बिस्तर पे और वे बनवीर उसको तलवार से दो टुकड़े कर देता है। पन्ना धाय ने अपनी मातृभूमि के हित के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। पन्ना अपने पुत्र का शव लेकर छिपती हुई गंभीरी नदी के तट पर पहुंची। उसने अपने लाडले पुत्र के शव को नदी में बहा दिया। पन्ना अपने मातृभूमि अपने देश प्रेम के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देती है और पुत्र अपने पुत्र का शव लेकर गंभीरी नदी पे जाती है और वहाँ शव को बहा देती है और फिर वहाँ से वह राजकुमार उदय सिंह के भविष्य के लिए चिंतित हुई। बहुत भटकने के बाद कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देपुरा ने उन्हें आश्रय दिया। बुरे दिन सदा नहीं रहते। राजकुमार उदय सिंह बड़े हुए। चित्तौड़ वासियों को किसी तरह उनके जीवित होने का समाचार मिला तो वे फूले न समाए। उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। पन्ना धाय की सब ओर जय जयकार हुई। सचमुच धन्य थी पन्ना धाय, धन्य था उसका देश प्रेम, देश के लिए त्याग एवं बलिदान का ऐसा दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा। इसमें उदय सिंह को लेकर वह कुंभलगढ़ चली जाती है। वहाँ पे आशा शाह देपुरा ने अपने आश्रय में उन्हें रख लेते हैं और राजकुमार जब बड़े होते हैं तो चित्तौड़ वासियों को जब पता चलता है कि राजकुमार जीवित हैं तो वे खुशी से झूम उठते हैं और उदय सिंह को चित्तौड़ का सिंहासन पे बैठाया जाता है। वे राजा बनते हैं वहाँ की और पन्ना की जय जयकार होती है इसलिए कि उन्होंने देश प्रेम की भक्ति दिखाई अपने बेटे का बलिदान देकर। ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। इसका प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।